ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। És megfordul a szél Amerikában is, demokraták mennek, republikánusok jönnek, ismét Donald Trump lesz az elnök, és azt jelenti, hogy nyugaton az év végre többségben lesznek azok a politikai erők, akik békepártiak. Ma háborúpárti többség van a nyugati világban. Az amerikai választás után békepárti többség lesz szerintem. Tehát össze kell magunkat kapni, ezt kell elvégeznünk Budapesten, és rá kell jönnünk arra, hogyha Amerikában békepárti elnök lesz, amiben nem csak hiszek, hanem én a számokat is így olvasom, de hát ezt majd meglátjuk kedden. Mást olvasok ki a számokból, mint amit általában hallok az önök rádiójából, vagy a magyar rádióban, hogy szoros a verseny, én nem ezt látom. Tehát ha az történik, amire számítunk, és Amerika békepárti lesz, akkor Európa nem maradhat háborúpárti. Egész egyszerűen Európa ennek a háborúnak a terhét, amiben szerintem felelőtlenül beleugrott, illetve amiben az európai intézmények vezetői belevitték Európát, ennek a terheit Európa egyedül nem tudja viselni. Ha az amerikaiak a békére váltanak, akkor nekünk is alkalmazkodnunk kell. Ezt fogjuk megbeszélni Budapesten. पूरे यूरोप में सिर्फ हंगरी के प्रधानमंत्री ही एक ऐसे शख्स हैं जो चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए। वो लगातार इस युद्ध को खत्म करने की अपील करते हैं। हम बात कर रहे हैं हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टोर ओरबान की। विक्टोर ओरबान यूरोपीय संघ के बड़े नेताओं में से हैं, लेकिन इनका हर वक्त विरोध होता आया है। वो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े समर्थक हैं, उनके दोस्त हैं, और इनका मानना है कि ट्रंप की वापसी इस बार हो रही है। ओरबान ये भी मानते हैं कि ट्रंप की वापसी के साथ ही ये पूरा युद्ध खत्म हो जाएगा। युद्ध यूक्रेन रूस युद्ध की बात ये करते हैं। विक्टर ओरबान कहते हैं कि हम साथ मिलकर रूस को नहीं हरा सकते। हमें समझना होगा कि हम अगर सब एक साथ आ भी जाएं तो भी हम रूस को नहीं हरा सकते। वो चाहते हैं कि जो बोझ यूरोपीय देशों पर इस वक्त पड़ रहा है वो न पड़े। यूक्रेन को समर्थन न देने की बात करने वाले हंगरी के प्रधानमंत्री की खूब आलोचना होती रहती है, लेकिन उन्होंने फिर से एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन करते हुए कहा है कि अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की वापसी हो रही है और उनकी वापसी के साथ ही शांति के पक्षधर नेताओं की बहुमत अब पश्चिमी देशों की राजनीति में बढ़ जाएगी। अगर ऐसा होता है तो इसका असर पूरे यूरोप पर पड़ेगा। अगर अमेरिका शांति का रास्ता चुनता है तो फिर यूरोप को भी शांति का रास्ता चुनना होगा। रूस यूक्रेन जंग में यूरोपीय देशों की भागीदारी को वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बताते हैं। वो कहते हैं कि एक अतिरिक्त बोझ है जो कि हंगरी नहीं सह सकता, और यही वजह थी कि पूर्व नेटो के अध्यक्ष उनसे खुद मिलने के लिए आए थे, क्योंकि हंगरी के प्रधानमंत्री एक नई लॉबी तैयार कर रहे थे, वो भी यूरोपीय देशों के बीच से, जो कि इस जंग का समर्थन नहीं करते हैं। 5 नवंबर को अमेरिका में चुनाव है और इस चुनाव के बाद बहुत सारी चीजें तय होनी बाकी हैं कि आखिर क्या अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर कमला हैरिस उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। अगर ट्रंप की वापसी होती है तो लगभग ये मान के चलिए कि पूरी दुनिया में जितने भी युद्ध चल रहे हैं, खासतौर पर रूस यूक्रेन की बात कर लें, तो वहां पर एक बड़ा कदम देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।